देश में 7 महीने 24 दिन बाद कोरोना के नए केस 11,000 के पार हो गए हैं। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 11,109 मामले सामने आए हैं, जबकि 29 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले पिछले साल 20 अगस्त को 11,539 केस मिले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से बातचीत की। उन्होंने सुनक से भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। इसके साथ ही पीएम ने ब्रिटेन में शरण लेकर रहने वाले विजय माल्या, नीरव मोदी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से इन सभी के प्रत्यार्पण की प्रोसेस तेज करने की मांग की है। नागालैंड में दिसंबर 2021 में सेना के जवानों की फायरिंग में 14 लोगों की मौत हुई थी, जिसकी एसआईटी द्वारा जांच की जा रही है। अब खबर आई है कि सरकार ने 30 जवानों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। नागालैंड पुलिस ने यह जानकारी दी है। मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को गर्मी और लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक गंगी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में लू की स्थिति बन रही है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक करने वाले शख्स को एफबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 21 साल का जैक टेक्सीरा मासाचुसेट्स एयर नेशनल गार्ड का मेंबर था। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को खबर मिली थी कि अहम दस्तावेज लीक करने वाला अमेरिका के किसी मिलिट्री बेस में काम करता है।